मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं। अगर आपको अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बनाना है तो यार वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ फ्रेंड्स, आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो यार इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। एक है आपका टर्बो वीपीएन, अभी आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक है आपका कैपकट एप्लीकेशन, जिससे आपका वीडियो एडिटिंग होगा। सो गाइस, ये जो कैपकट एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैन हो चुका है, ये एक चाइनीज एप्लीकेशन था। तो गाइस, ये जो कैपकट एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अपना गूगल को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च बार पर सर्च करना होगा कैपकट लेटेस्ट वर्जन। तो गाइस फर्स्ट में आ चुका, तो आप इसे डाउनलोड अभी इसे सर्च कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट में वेबसाइट आता हो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ लोडिंग लेके इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। सो गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता होगा लेटेस्ट वर्जन का, तो आपको उस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, तो आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना वीपीएन को ओपन कर लेना है। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने टर्बो वीपीएन को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस, सबसे पहले अपने मैं ऐड को कट कर लेता हूँ, तो आपका भी ऐड आ चुका होगा तो आप कट कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है टैप टू कनेक्ट का, उसके नीचे वाले आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और आपका जो वीपीएन ये कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस, अभी आप देख पा रहे होंगे तो कुछ देर लोडिंग ले रहा गाइस, तो हम वेट कर लेते हैं। तो देख लीजिए गाइस, हमारा जो वीपीएन है वो कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ और एक बार ऐड आ चुका है, तो मैं अपने ऐड को कट कर लेता हूँ और आपका अपने वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस फोटो से स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपने फोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख लीजिए गाइस, मैंने अपने फोटो को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है और आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, हमारा जो फोटो स्क्रीन पर आ चुका है, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे स्लाइड करके इधर आना होगा। और गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता होगा फॉर्मेट का, तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपको 9:16 वाला रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको टिक पर क्लिक कर लेना होगा। और सबसे पहले आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करके आपको अपने इमेज को स्क्रीन पर आपको इसे एडजस्टमेंट कर लेना कुछ इस तरीके से। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, फिर से आपको टिक पर क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपको फिर से अपने इमेज के ऊपर क्लिक करके इसके लेंथ को खींच के कुछ इतना गाइस सबसे बढ़ा लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, देख लीजिए हमारे वीडियो के एंड में एक आपका लोगो आ जाता है इस एप्लीकेशन का, जो वाटरमार्क है गाइस आपका आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाटरमार्क को डिलीट करने के लिए आपको इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का, तो आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो वाटरमार्क वीडियो डिलीट हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना होगा। सो गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो पर सॉन्ग को ऐड करना है। सो गाइस, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऑडियो का, तो आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना सॉन्ग को ऐड कर लेना है। आपको साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सॉन्ग को ऐड कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने गाइस, आपका जो जितना भी आपका डिवाइस पर आपका सॉन्ग है वो सारा सोने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जिस सॉन्ग से स्टेटस वीडियो बनाना, अपने सॉन्ग को ऐड कर लीजिएगा। तो सिंपली बस आपको मैं सिखाने के लिए सॉन्ग को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सॉन्ग को ऐड करने के लिए आपको जिस भी सॉन्ग को ऐड करना है, आपको साइड में प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना, आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा।
सो गाइस देख लीजिए हमारा सॉन्ग आ चुका भी आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता होगा एनिमेशन का, तो आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लोडिंग लेकर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉम्बो का, तो आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस तरफ आना होगा। आपको मैं दिखा देता हूं आपको कौन सा इफेक्ट ऐड करना है। तो देख लीजिए गाइस हमारा जो इफेक्ट है वो आ चुका है बिस्किट, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो आपको इसे ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद आपको साइन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको फिर से स्टार्टिंग पर आना होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस कुछ इस तरह आना होगा। सबसे पहले गाइस आपको टिक पर आपको क्लिक कर लेना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता होगा इफेक्ट का, तो आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका प्रोसेसिंग लेगा कुछ इस तरीके से। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आप स्लाइड कर कुछ इस तरफ आइएगा। एंड गाइस आपको इस जगह पर ऑप्शन मिलता है पार्टी का, तो आपको पार्टी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो इफेक्ट आपका नीचे सोने लगेगा जितना भी है, तो आपको मैं दिखा देता हूं आपको कौन सा ऐड करना है। सो गाइस आपको नीचे स्लाइड करके आना होगा, और आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नियोन का, तो आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस ये आ चुका, तो आप इसे ऐड कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको साइन पर टिक कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो लेंथ है इसको वीडियो के एंड रख लेना कुछ इस तरीके से। तो देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टिक पर क्लिक कर देना कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो बन के तैयार हो चुका है, तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो वीडियो है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारा जो वीडियो है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ है। तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।